हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक खास डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, और वो कौन सी चार चीज़ें हैं जो आप अपने खाने में परहेज कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो चार चीज़ों को ना खाकर आप डायबिटीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हमारे खाने का सीधा असर ब्लड शुगर लेवल पर पड़ता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखने के लिए हमें कुछ चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप भी डायबिटीज़ से पीड़ित हैं तो आप कुछ भी खाने से पहले एक बार ज़रूर सोचते होंगे आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा ना दे। लेकिन डॉक्टर का कहना है कि डायबिटिक होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी पसंद की चीज़ों का स्वाद ही भूल जाएं। अब आप इन चीज़ों से परहेज बनाकर वह अपनी शुगर की समस्या से निजात भी पा सकते हैं। सबसे पहले आता है चावल से परहेज। बेशक चावल के बिना रहना कई लोगों के लिए बिल्कुल मुश्किल हो सकता है, क्योंकि चावल उनकी डाइट का अहम हिस्सा होता है। मगर डॉक्टर्स का मानना है कि चावल ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाता है। ऐसे में शुगर के मरीजों को सफ़ेद चावल से हमेशा ही दूरी बनाकर चलनी चाहिए। अब बारी आती है फुल फैट मिल्क की। दूध स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। दूध में सभी जरूरी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, इसीलिए दूध को डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो आपको फुल फैट मिल्क नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा फैट से इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए डायबिटीज़ के मरीजों को फुल फैट मिल्क का सेवन नहीं करना चाहिए। चीनी सबका दुश्मन होता है डायबिटीज़ के लिए। चीनी से करें परहेज, वो भी बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ वालों के लिए। आइए जानते हैं कि चीनी कितना नुकसानदायक है। चीनी के बारे में तो सभी जानते हैं कि शुगर के मरीजों को मीठे खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए, मगर बात बस यही नहीं है। अधिक मात्रा में चीनी के सेवन से हाई ब्लड प्रेशर, सूजन और फैटी लीवर की समस्या भी पैदा होने लगती है, जो दिल की बीमारी और स्ट्रोक का कारण बनती है। इसलिए डायबिटीज़ वाले लोगों को चीनी से परहेज करना चाहिए। अब बारी आती है आलू से कैसे करें परहेज। अब आलू से परहेज क्यों करना चाहिए? डायबिटीज़ के मरीजों को आलू का सेवन बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। ज़्यादा आलू खाना शुगर पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं आलू में हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, साथ ही इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा भी बहुत होती है। आलू खाने से ब्लड शुगर बढ़ने का खतरा अधिक रहता है, इसीलिए इसका सेवन ना के बराबर करें। पहले की हमेशा की तरह मैं कहूंगी कि आप हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। अगर आप तीन हरी पत्तियों से डायबिटीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप अभी देखें।